और ख़बर है कि हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त मिल गई है। पीसीबी ने एनओसी जारी कर दिया है। हारिस रऊफ को 5 मैचेस, जमान खान को 4 मैचेस खेलने की इजाज़त दी गई है। और आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 खिलाड़ियों को बिग बैश लीग खेलने की इजाज़त दे दी है, जिनमें हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान शामिल हैं। ये तमाम खिलाड़ी बिग बैश लीग खेल सकेंगे, एनओसी भी जारी कर दिया गया है। डिटेल्स लेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एजाज वसीम बाखरी से। जी एजाज, आजी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान जो एनओसी का मसला था वो अब हल हो गया है, क्योंकि हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से माजरत की थी, तो उसके बाद लग रहा था कि शायद एनओसी जारी ना हो। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ, उसामा मीर और जमान खान को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी कर दिया है। लेकिन ये जो एनओसी जारी किया गया, ये पूरे टूर्नामेंट के लिए नहीं किया गया। उसामा मीर और हारिस रऊफ सिर्फ 5 मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे, जबकि जमान खान को 4 मैचों के लिए यह एनओसी दिया गया है। और ये तमाम मैचेस 7 से 28 दिसंबर के दरमियान होंगे, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान ने जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज खेली है, तब ये प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज, अपडेट कर रहे थे आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।